अपमान का बदला लेने के तरीके। नंबर वन, अपमान करने वाले लोगों से दूरी बना लो। अगर कोई इंसान आपका एक दो बार अपमान कर दे तो आप उससे दूरी ही बना लो, ताकि वो आपका अपमान ही न कर सके। नंबर दो, अपने आप को शांत रखो। अगर कोई आपको बुरा भला कहे, आपको चिढ़ाए या आपका अपमान करे, तो ऐसी परिस्थिति में उसे जवाब देने की बजाय आप शांत रहो और उसको कोई भी जवाब मत दो। क्योंकि याद रखो कि सामने वाला आपको गुस्सा दिलाने के लिए ही और परेशान करने के लिए ही आपका अपमान कर रहा है। नंबर थ्री, मज़ेदार तरीके से जवाब दो। कई बार परिस्थिति ऐसी आ जाती है जहाँ पे कि आपका अपमान होने पर जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तो ऐसे में आप उस अपमान का मज़ेदार तरीके से जवाब दे सकते हो। अगर कोई आपकी कमियां निकाल कर या फिर किसी और को बात को लेकर आपको अपमानित करता है, तो आपको अपने उस बात पर हंसना है, उसे स्वीकारना है और उस इंसान को आपकी कमियां ढूंढने के लिए धन्यवाद करना है। ऐसा करने से उसे पता चल जाएगा कि उसकी किसी भी बात का आप पर असर नहीं पड़ा और ऐसे में वो व्यक्ति ही खुद शर्मिंदा हो जाएगा। नंबर फोर, करारा जवाब दो। कुछ लोग रिश्तेदार या दोस्ती के खातिर अपना अपमान होने के बावजूद भी चुप रहते हैं, लेकिन दोस्तों कभी कभी हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है जहां पर बिना बात के हमें सबके सामने नीचा दिखाया जाता है और हमारा अपमान किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें शांत नहीं बैठना है, बल्कि अपने अपमान का उन्हें करारा जवाब देना है और फिर हो सके तो उस जगह से उसी वक्त निकल जाना चाहिए। नंबर फाइव, बदले की भावना मत रखो। अपमानित होने पर कई सारे लोग उस अपमान का बदला लेने के लिए बदले की भावना रखते हैं, पर यह बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि ऐसा करने से आप खुद ही और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, गुस्सा करने लगेंगे या तनाव में आ जाएंगे। इसीलिए आपका अपमान करने वाले व्यक्ति के प्रति बदले की भावना न रखें। नंबर सिक्स, उन्हें माफ़ कर दो। शायद आपको ये पढ़कर थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, बिल्कुल अजीब, क्योंकि बहुत सारे लोग अपमानित होने पर गुस्सा होने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनके मन में उस अपमानित करने वाले व्यक्ति के प्रति एक नकारात्मकता भर जाती है और ये होना बिल्कुल नॉर्मल बात है। पर एक बात समझ लो, ऐसा करने से उस व्यक्ति को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, पर आप पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। इसीलिए अपने मन को शांत रखो। और नंबर सेवन, सफल बनो। अगर आपको कोई नीचा दिखाने की कोशिश करता है, आपका मजाक उड़ाता है या आपको बार बार अपमानित करता है, तो ऐसे परिस्थिति में अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाइए और अपने जीवन में इतना ज़्यादा सफल बनिए कि कभी कोई आपको अपमानित करने की कोई हिम्मत ना कर सके। अपमान का बदला लेने का यही सबसे अच्छा तरीका है। धन्यवाद।